फ्रेंड दोस्तों, इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात व समानुपात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात व समानुपात। आज हम अनुपात के बारे में बिल्कुल बेसिक सीखेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ऐसे हम प्रोपोर्शनल का बेसिक सीख के उसके बाद उसके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? इस तरीके से हम करेंगे। पहले मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, उसके बाद उसके हम क्वेश्चन करेंगे इकट्ठे, ठीक है? तो पहले आपको बेसिक का पता होना चाहिए, क्योंकि देखो अनुपात के बाद हम समानुपात के अंदर जाएंगे, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम रेशियो की, अनुपात की। रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है? यदि हम बात करें अनुपात की, किसी भी संख्या का सबसे सरलतम रूप, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर, दैट इज कॉल्ड रेशियो। किसी भी संख्या का सबसे लघुत्तम रूप, सबसे छोटा रूप, ठीक है, समझ के बात। द लीस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर, द लीस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर, दैट इज कॉल्ड रेशियो। किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो रूप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे। और अनुपात जो होता है, जैसे हमारा ए अनुपात बी है, ये किसी भी नंबर का 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी अनुपात हो सकता है, ठीक है? जिसका हम एच एफ निकालें, दोनों नंबरों का यदि हम महत्तम निकालें तो एक आए। क्या आए, एक आए। दोनों यदि कटेंगे तो वो सिर्फ एक से कटेंगे, ठीक है? उसको बोलते हैं हम रेशो, ठीक है? इसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। मैं एच एफ और एलसीएम में भी बताया था आपको, ठीक है? एच एफ और एलसीएम में मैंने आपको ये बताया था भी को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो आपस में कभी ना कटे, ठीक है? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर वो होते हैं। ये बच्चे ने को प्राइम, इसकी एच एफ एलसीएम की वीडियो नहीं देखी तो उसको मैं बता देता हूँ भाई, को प्राइम नंबर कौन सा होता है, जैसे 5 और 6 आपस में नहीं कटते, ये को प्राइम नंबर का जोड़ा है, ठीक है? इसको हम रेशियो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 7 और 8, ये हमारा को प्राइम नंबर का जोड़ा, आपस में नहीं कटेंगे, इनका महत्तम एक है, किसी भी संख्या का सबसे सरलतम रूप है ये। मैं कहता हूँ 12, 10, क्या को प्राइम नंबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपस में कटते हैं, ये आपस में कटते हैं। देखो, काटोगे 6, 5 तो रेशियो ही बदल जाएगा, 6:5 हो जाएगा। जो को प्राइम नंबर है आपस में नहीं कटते, जो यदि कटते हैं तो किससे कटते हैं, ये सिर्फ एक से कटते हैं, समझ की बात। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक से ही डिवाइड होते हैं, और वही हमारा उसी फॉर्म में दोबारा आ जाएंगे, ठीक है? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका टुकड़ा आगे नहीं बढ़ेगा, जैसे को प्राइम नंबर का जोड़ा है पेयर किसका, ये को प्राइम नंबर का पेयर है, ये को प्राइम नंबर का पेयर नहीं है, क्योंकि ये दोनों 5 से कटते हैं। ये को प्राइम नंबर का पेयर नहीं है, ये 5 से कटते हैं, 10 से कटते हैं, 2 से कटते हैं, है ना, ठीक है? जिसका रेशियो ही चेंज हो जाए वो को प्राइम नंबर नहीं होता। को प्राइम में क्या होता है, या तो दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, या एक प्राइम हो, एक कंपोजिट नंबर हो, समझ के बात। जैसे हम बात करें, जैसे ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम और कंपोजिट का जो पेयर है वो को प्राइम नंबर कहलाता है, या दोनों को प्राइम, दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 2, 3, ये को प्राइम नंबर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों आपस में, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, या तो दोनों प्राइम नंबर हो, या एक प्राइम हो, एक कंपोजिट नंबर हो, उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक। हाँ, बात करते हैं अपने रेशियो की, अनुपात की हम बात करें। अनुपात क्या होता है, किसी भी संख्या का सबसे सरलतम रूप, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर, दैट इज कॉल्ड रेशियो, समझ गई बात। द लीस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का सबसे लघुत्तम रूप, सबसे छोटा जो रूप होता है उसको हम अनुपात बोलते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात आती है हमारी, सबसे पहली जो बात आती है वो आती है जो हमारा रेशियो होता है। मान लो ए और बी का जो अनुपात है वो 3:2 है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक मैं लेके चलूंगा आपको, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, रेशियो को बांटते कैसे हैं, ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ ए और बी का जो रेशियो हो वो 3:2 है, और हमें ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 250 रुपये को बांटना है। कितने रुपए को बांटना है, 250 रुपए को बांटना है हमें, कितने रुपए को, 250। तो दोनों का सम कितना होगा, दोनों का योग कितना होगा, 5 होगा, और हमारा योग कितना है, पैसे का, कितना रुपए है,
250 है, तो ये देखो कितना गुना है इसका, डिवाइड करके देख लो, 50 गुना है, कितना गुना है 50 गुना, तो 50 गुना इसको कर दो और 50 गुना इसको कर दो, कितना हो गया 150 और कितना हो गया 100, तो इसका मतलब ए को उसमें से कितना मिलेगा 150 मिलेगा और बी को कितना मिलेगा 100 मिलेगा। दो हो तीन हो चार है, ठीक है, कैंडिडेट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जब व्यापार करते हैं तो उसके अंदर हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, साझेदारी में भी हम ऐसे करेंगे। तो देखो जैसे मैं कहता हूँ ए बी सी का अनुपात है 2:3:4 हमारा, ठीक है, मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर हमें 720 रुपये को बांटना है ए बी सी में, इसको बांटना है 720 रुपये को बांटना है, तो सबका सम कितना हो गया, सबका योग कितना हो गया 7 और 2 9 हो गया, हमारा योग कितना है 720, हमारा योग कितना है 720, योग कितना 720, कितना गुना है ये 8 गुना है, कितना गुना है 8 गुना है, तो 8 गुना इसको कर दो, 8 गुना इसको कर दो और 8 गुना इसको कर दो, ए को कितना मिलेगा उसमें, मतलब 80 गुना है ना ये, 80 गुना इसको कर दो, 80 गुना इसको, 80 गुना इसको, 80 गुना, 720 को 9 से डिवाइड करें तो 8 की लगेगी 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160 रुपये ए को मिलेगा, 240 रुपये बी को मिलेगा और 320 रुपया किसको मिलेगा सी को मिलेगा। ये हमारे अनुपात को बांटने का तरीका है, ये बोल देगा 720 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि 720 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए बी सी इन सच दैट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, 720 रुपये को ए बी सी में 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा, देन फाइंड द शेयर ऑफ ए, फाइंड द शेयर ऑफ बी, फाइंड द शेयर ऑफ सी, ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा, ऐसे बोल देगा ए और बी का हिस्से का योग क्या होगा, बी और सी के हिस्से का योग क्या होगा, ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी, फाइंड द सम ऑफ बी एंड सी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, समझ गए बात, ये हमारा रेशियो को बांटने का तरीका होता है। और कैसे देगा, बोल देगा किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात है वो 1:2:3 है, मोस्टली पेपर में यही आता है, ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन यही आता है, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 1:2:3, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 1:2:3, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो प्रत्येक कोण का माप क्या होगा, फाइंड द ईच एंगल, वो योग आपको कभी नहीं देगा, ये बात दिमाग में फिट बिठा लो, वो आपको कभी भी योग नहीं देगा, सम कभी नहीं देगा आपको, आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर योग कितना हो गया, यहाँ पे सम कितना हो गया हमारा 6 हो गया, 6 को कितना बनाना है 180, कितना गुना 30 गुना, 30 गुना इसको कर दो, 30 गुना इसको कर दो और 30 गुना इसको कर दो, एक कोण कितने डिग्री का 60 डिग्री का, एक 60 डिग्री, यहाँ से 30, यहाँ से 60 और यहाँ से कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा 30, 60 और 90 डिग्री, सारी बात समझ में, 30, 60 और 90, अभी बेसिक बता रहा हूँ, फिर इस टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे बोल देगा ए और बी, ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक, ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है, ये कहता है भाई यदि ए के पास, यदि ए के पास 180 रुपया है तो बी के पास क्या हो, तो ए का रेशो कितना है 2, तो किसके बराबर है 180 के बराबर है, कितना गुणा 90 गुणा, तो 90 गुणा इसको कर दो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो बी का हिस्सा क्या होगा 70, हमारी पास में ए कितना है अपना, ए अपना 2 है, 2 यदि 180 के बराबर है तो अपना 3 किसके बराबर होगा, ये टर्म डिवाइड में हो जाती है, ये टर्म मल्टीप्लाई में हो जाती है, हमेशा याद रखो 180/2 गुणा में 3 आ जाए 200, समझ गई बात, जैसे ऐसे बोल देगा किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 4:5, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है, यदि उसमें लड़कियों की संख्या, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 350, यदि लड़कियों की संख्या 350 है तो लड़के क्या होंगे या कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। देखो
हमें पता गर्ल्स कितनी है, 350 है, तो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो 350 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 70 आएगा, 70 से गुणा इसको कर दो कितना हो गया, 280 हो जाएगा। ये बॉयज का आंसर आया है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 280। यदि कुल विद्यार्थी पूछे तो देखो कुल कितने हैं, यहाँ पर 9 है, 9 का 70 गुणा कितना हो जाएगा। अब ये बस सोचो भाई लड़कियों का देखे कुल पूछे, पहले आप बॉयज निकालेंगे, नहीं सीधा भी कर सकते हो, कितना दोनों का सम 9 है, 9 को कितना बढ़ाना है, 70 गुना बढ़ाना है, 9 से 63 कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। चाहे इन दोनों का जोड़ करके देख लो यही आएगा, यही नहीं है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है, समझ के बात कर लोगे। उसके बाद ये तो आप बात आई थी भाई योग दे रखा हो तो, यदि डिफरेंस दे रखा हो तो भी आप ऐसे करेंगे, देखो डिफरेंस को कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ बॉयज और गर्ल्स इस संख्या का जो अनुपात है वो 7:5 है, 7:5। ये कहता है भाई लड़के जो हैं लड़कियों से, लड़के जो हैं लड़कियों से 240 ज्यादा है, ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना ज्यादा है, 240। नंबर ऑफ बॉयज इज 240 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, 240 क्या है, ज्यादा है। कम ज्यादा छोटा बड़ा ये जो वर्ड आते हैं, लेस मोर है ना, एल्डर यंगर, ये जो वर्ड होते हैं ये हमेशा डिफरेंस को दर्शाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा डिफरेंस को, अंतर को दर्शाते हैं। तो दोनों में अंतर कितने का बताओ, दोनों में अंतर 2 का है, और हमारा यहाँ पे अंतर कितना दिया है, ज्यादा है कम है, ये क्या होता है अंतर होता है, बॉयज और गर्ल्स में जो डिफरेंस दिया है वो 240 है, 2 किसके बराबर है, 240 के बराबर है, कितना गुणा, 120 गुणा, 120 गुणा इसको कर दो और 120 गुणा इसको कर, तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600, और ये कितना हो जाएगा, 12 × 7 = 84, 840 हो जाएगा। ये बॉयज की संख्या है और ये गर्ल्स की संख्या, कुल पूछे दोनों का टोटल कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है यदि योग दे रखा है, सम दे रखा है तो सम के सामने रखेंगे, रेशियो का जो सम होगा उसके सामने हम रखेंगे और उसका कंपेयर करेंगे कितना गुणा आई, और यदि अंतर दे रखा है तो अंतर के सामने रखेंगे। अंतर को कैसे बोल सकता है, लड़कों की संख्या लड़कियों से इतनी ज्यादा है या लड़कियों की संख्या लड़कों से इतना कम है, ठीक है, कोई किसी से छोटा है कोई किसी से बड़ा है, ये सारे हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अंतर को दर्शाते हैं, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। ये तो हुई बात हमारी रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है, जैसे ऐसे बोल देगा भाई किसी मिश्रण में इन ए मिक्सर्स रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक, किसी मिश्रण में कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो 7:3 है, तो उसके बाद 7:3 है, यदि कहता भाई जिंक उसके अंदर, ठीक है, जिंक की मात्रा यदि उसके अंदर 210 किलो है तो हमारा कॉपर क्या होगा, तो 3 किसके बराबर है, 210 के बराबर है, कितना गुणा, 7 × 21 70 गुणा, तो 70 गुणा इसको कर, कितना हो जाएगा, 460 किलो हो जाएगा। एक की वैल्यू देके दूसरी से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये तो हुई बात हमारी रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब बात करते हैं एबीसी के अनुपात की, देखो नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा ए इज टू बी और बी इज टू सी, 2:3 और 4:4, ऐसे बोलेगा एबीसी का अनुपात बताओ, फाइंड द रेशियो ऑफ एबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में आता है, जब बेसिक क्वेश्चन जब पूछने की बात हो तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं पेपर में मोस्टली। देखो कैसे करते हैं, इससे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसके बाद हम 2-3 तरीकों से इसको करेंगे, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। जब आप इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जब इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ए का वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू आएगा, जब आप बी बी की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से बी का वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा आपका, बी का वैल्यू आएगा। यदि आप इस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सी का वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा सी का। मेरा कहने का मतलब ये है कि उल्टा एन बनाना है, उल्टे काम तो कर दोगे आप बचपन से करते आए हो, यहाँ से करोगे दिक्कत क्या है। देखो ए इसकी मल्टीप्लाई करने पर, बी इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, सी इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए बी और सी। हमेशा एक बात याद रखना, बी के डायगोनली बी होना चाहिए,
बी के विकर्णीय क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, यदि बी यहाँ था दूसरा बी यहाँ होना चाहिए तभी ये लगता है, समझ गए बात। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, हम करेंगे इस तरीके से, इस किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, चार दुनी आठ, चार तीये बारह, पांच तीये, यदि अनुपात किसी एक पाड़े से कटता है, यदि रेशो किसी एक टेबल से कटता है तो काट सकते हो, अदरवाइज उतना ही छोड़ देंगे। ये नहीं कि भाई इसको भी चार से काट दिया, चार दुनी आठ, चार तीये बारह ना, तो इसको काट दो, तीन से काटो, तीन पांच पंद्रह, तीन चौके बारह, नहीं ऐसे नहीं कि भाई जिस पे जाड़ बड़ी उसी को काट दिया, ऐसा नहीं करना। हमें क्या क्या करना है, तीनों किसी एक पाड़े से कटता है, यदि तीनों में यदि कोई कॉमन है कि किसी का आपको लगता है ये कॉमन है उसको निकाल दो तो वो रेशो बन जाएगा। तो फिलहाल आंसर क्या होगा इसका, आठ बारह और पंद्रह, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका हमारा ये है, हम ए बी सी का अनुपात बता रहे हैं यहाँ पर, ए बी सी का अनुपात पूछा है, तो ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू रखेंगे आप, बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू रखोगे आप, ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू, बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू। अब ये देखो ये जगह खाली है, ये इलाका किसका है, ये इलाका तीन का है, और ये इलाका किसका है, ये इलाका चार का है। अब ये ऐसे मत करना कि इलाका तो कुत्तों का होता है, नहीं, ये जगह है इसके काम आएगी और ये जगह इसके काम आएगी, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट सीधी, चार दुनी आठ, चार तीये बारह और पांच तीये पंद्रह, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आठ बारह और पंद्रह, रेशो यही है, देखो सेम टू सेम। एक तरीका ये है, तीसरा तरीका क्या हमारा, तीसरा तरीका ये है, आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हो मेरे भाई। कैसे, देखो आपने ऑप्शनों में देखोगे आप इनको, ए बी सी का अनुपात पूछा आपसे, ए बी सी का अनुपात पूछा है, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे, देखो आपको ऑप्शनों में दिखेगा आठ बारह पंद्रह, ऑप्शन और भी होंगे। ठीक है, हमारा काम क्या रहेगा, मैं यहीं से बता देता हूं आपका, हमारा काम क्या रहेगा, हम इनको इनको शुरू में इनको देखेंगे इन दोनों को, फिर इन दोनों को देखेंगे हम। अब इनमें रेशो क्या बनता है, दोनों किससे कटते हैं, चार से कटते हैं, चार दुनी आठ और चार तीये बारह, ए और बी का अनुपात दो तीन आया, क्या दो तीन है, बिल्कुल है, मतलब आंसर के नजदीक जा रहे हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं क्या बी और सी का अनुपात, क्या बी और सी का जो अनुपात है वो, देखो ये बारह था और ये पंद्रह है, बारह था ये पंद्रह, तीन से काटो, तीन चौके बारह, तीन पाँच पंद्रह, बी और सी का अनुपात चार पाँच है, बिल्कुल है चार पाँच, तो ए बी का अनुपात दो तीन, बी सी का अनुपात चार पाँच है, हमारा मैच कर रहा है, तो आंसर बिल्कुल सही है। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी। हाँ, कभी भी आपसे ये पूछ ले भाई ए इज टू बी और बी इज टू सी, भाई ए और सी निकालो, सिर्फ पहला और आखिरी पूछे, फिर आपको सिंपल तरीका करना है। ठीक है, फिर आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना, जैसे दो तीन था और चार पांच था, फिर आप क्या करोगे, सीधी मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, सीधी मल्टीप्लाई, डायरेक्ट डायरेक्ट गुणा कर दो। कैसे, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे आठ, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, पंद्रह, तो आठ अनुपात पंद्रह, किसका वैल्यू आया है, ये ए और सी का वैल्यू आया है, ए और सी का वैल्यू, ठीक है ना। तो ए और सी, पहला और आखिरी हमेशा किससे आता है, सीधी गुणा करने पर आता है, पहला और आखिरी किससे आता है हमारा, सीधी मल्टीप्लाई करने पर आता है। ठीक है, ये बात याद रखना। देखो क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे मैं कहता हूँ ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, दो अनुपात पांच, ठीक है, चार अनुपात सात, मैं कहता हूँ ए बी सी का अनुपात बताओ, क्या करेंगे हम, सीधी गुणा करेंगे, चार दुनी आठ, पाँच चौका बीस, सात पाँचे पैंतीस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ भाई ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, दो अनुपात तीन, एक अनुपात चार, और मैं कहता हूँ ए और सी बताओ, क्या बताओ, ए और सी आपसे पूछे तो क्या करोगे, सीधी डायरेक्ट गुणा कर दो, ए और सी यदि पूछता है, दो एकम दो, चार तीये बारह। अब यदि अनुपात को कैसे सोल्व करते हैं, काटते कैसे हैं, यदि दोनों एक पहाड़े से कटते तो काटो, अदरवाइज छोड़ दो, जैसे दो एकम दो, एक अनुपात छः हो जाए, क्या हो जाएगा, एक अनुपात छः हो जाएगा, समझ गए बात। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ भाई ए अनुपात बी, दो अनुपात तीन,
बी अनुपात सी, चार अनुपात पांच, ठीक है। अब यहां से मैं कहता हूं भाई आपको ए अनुपात बी प्लस का सी निकालना, हमें ए अनुपात बी प्लस का सी निकालना, ए इज टू बी प्लस का सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, ए बी सी का रेशियो। पहले ए बी सी निकालेंगे हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, चार दूनी क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, चार तीये बारह हो जाएगा, फिर इनकी मल्टीप्लाई पंद्रह हो जाएगा। ये हमारा ए बी और सी आया, इसने क्या पूछा, ए बी प्लस का सी, ए तो अपना आठ है और बी प्लस सी का सम, इन दोनों का यदि जोड़ करें तो कितना हो जाएगा हमारा, सत्ताईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्ताईस। तो आठ अनुपात, ये सिंपल है, इसलिए सिंपल कर रहा हूं, करने को तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, ए बी सी, ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू, बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू, ये जगह खाली पड़ी है तो छः आएगा यहाँ पर, चार छः सॉरी तीन है हमारा, केला का तीन का, और ये किसका है, चार। करो आठ बारह और इसकी गुणा और इसकी गुणा, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, ए बी सी का रेशो आएगा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन करके देखो आप, मैं कहता हूँ ए इज टू बी दो अनुपात तीन, बी टू सी थ्री इज टू वन, ए बी सी का रेशो बताना आपको यहाँ पर, ए इज टू बी, बी इज टू सी दो अनुपात पाँच, तीन अनुपात सात, ए और सी बताना यहाँ पर, ए इज टू बी तीन अनुपात चार, बी टू सी पांच अनुपात दो, ए इज टू बी प्लस सी बताना यहाँ पर, ए इज टू बी, बी टू बी तीन अनुपात दो, पांच अनुपात तीन, ए अनुपात बी अनुपात सी। ट्राई करो क्या आएगा, सिंपल है, तीन दुनी छः, तीन तिया नौ, तीन कम तीन। अब देखो तीनों किसी पहाड़े से कटते हैं, कटते हैं ना, देखो तीनों किसी पहाड़े से कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं, तो क्या हो जाएगा, दो अनुपात तीन अनुपात एक, अनुपात को काटने का तरीका है। यह एक बात हमेशा याद रखना, इसको ऐसे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी आपको। देखो कभी भी बी और बी की वैल्यू सेम दिख जाए, B और B की वैल्यू सेम दिख जाए तो समझ लेना ये A है, ये B है, ये B है तो ये क्या है, C है। कभी भी आपको B और B की वैल्यू दोनों तरफ सेम दिख जाए तो सीधा लिख सकते हो आप, दो A की वैल्यू है, B की दोनों तरफ तीन है तो तीन ही होगी, और यहाँ पर क्या है, एक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, दो अनुपात तीन अनुपात एक हो जाएगा, ठीक है। ए सी क्या सिखा था आपको, डायरेक्ट गुणा कर दो, सीधी गुणा, तीन दूनी छः, सात पाँच पैंतीस हो जाएगा, किसी पहाड़ से कटते तो काट दो, नहीं छोड़ दो, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले अपना काम क्या रहेगा, ए बी सी का रेशो निकालेंगे हम, सीधी गुणा करो, पाँच तीन पंद्रह, पाँच चौका बीस और चार दूनी आठ, ठीक है, पाँच तीन पंद्रह, पाँच चौका बीस और चार दूनी आठ। क्या बोला, ए ए कितना है, पंद्रह, बी प्लस का सी, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, अट्ठाईस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, पंद्रह अनुपात अट्ठाईस, ठीक है। यहाँ पे जल्दबाजी मत करना कहीं से, तो भाई ए बी सी निकालना, पहले इसको ठीक करो। मैंने आपको क्या बताया था, भाई बी के डायगोनली बी होना चाहिए, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, ऐसे फंसाता बच्चा बच्चे को मोस्टली एग्जामिनर। पहले इसको ठीक करो, ए बी थ्री टू टू, बी और सी थ्री टू फाइव, क्योंकि ये सी बी था ना कि बी सी, तो पलटी मरा दी, तो क्या हो गया, तीन अनुपात पाँच हो गया, पलटेंगे तो ये भी पलटी मारेगा, ठीक है, तीन अनुपात पांच, ए बी सी का अनुपात, सीधी गुणा, नाइन सिक्स एंड टेन, तीन तीन नौ, तीन दुनी छः, पाँच दुनी दस, तो आंसर क्या जाएगा, नौ छः और दस। ये था हमारा ए बी सी का अनुपात।
आगे हम बात करते हैं ए बी सी का अनुपात डी तक, ए बी बी सी और सी डी, 2:3, 1:2, 5:4। मैं कहता हूं भाई ए बी सी, ए बी सी और डी का रेशियो निकालो, अनुपात निकालो क्या। देखो दो तरीके हैं आपके पास, ऑप्शन से भी कर सकते हो, डिटेल में भी कर सकते हो, और जो लंबे वाला मेथड बताता है उससे भी कर सकते हो आप। देखो सारे बता देता हूं मैं आपको, ए बी बी सी और सी डी, ए बी बी सी और सी डी। यदि आप इन तीनों की गुणा करोगे तो ए आएगा, इन तीनों की गुणा करोगे तो डी आएगा। पहला और आखिरी हमेशा ऐसे निकलता है, ये दिमाग में फिट बिठा लो, क्योंकि कई बार पहला और आखिरी ही पूछता ही है, ठीक है। उसके बाद बी कैसे निकालना है, बीबीसी, बीबीसी न्यूज आपको याद है, बीबीसी, बी बी और सी की मल्टीप्लाई करोगे तो बी का वैल्यू आएगा। बीबीसी क्या है, बीबीसी याद कर सकते हो, और बीसीसी, बीसीसी ये समझ लो एक नया है, बीसीसी, बी की वैल्यू निकालते समय हमें बीबीसी याद रखना है और सी की वैल्यू निकालते समय हमें बी सी सी याद करना है, या ऐसे याद कर लो, याद ना रहे तो बी और सी आएंगे दोनों, बी और सी ही आएंगे दोनों में याद रखना है। तो बी वाले में बी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, और सी वाले में सी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। अब देखो करते हैं क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 5 × 10 बी बी सी, 5 × 15 बी सी सी, 10 × 30 है चुका 24। अब किसी पहाड़ से कटते हैं ये, 2 से कटते हो, 3 से कटते हो, 5 से कटते हो, 6 से कटते हो, किसी एक पहाड़ से कटते हैं, बिल्कुल नहीं कटते, तो आंसर यही आ जाएगा। क्या बोला मैंने, सीधी मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही वैल्यू आएगी, 5 × 10 हो गया हमारा, बी बी सी, 5 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 6 × 5 = 30, 3 × 6 = 6 = 24, 10, 15, 30 और 24, 10, 15, 30 और 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कैसे करोगे, और ऐसे भी कर सकते हो, ए बी सी और डी, क्या सिखाया था मैंने आपको, ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू लिख दो, बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू लिख दो, और सी डी के नीचे सी डी की वैल्यू लिख दो। यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा, यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा, यहां पर 1, ये इलाका 5 का तो 5 आएगा, ये जगह खाली पड़ी तो 3 आएगा, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 5, गुणा करो, सीधी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी गुणा करो, 5 × 10, इनकी सीधी गुणा करो, 5 × 3 = 15, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 24, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। या फिर और तरीका क्या होगा, हमने देखा ऑप्शनों में ये मिलेगा आपको, तो भी सही है। अब इन दोनों में रेशो चेक करो आप, इन दोनों में रेशो क्या रहा है, इन दोनों में रेशो 2:3 का रहा है, क्या 2:3 का था, बिल्कुल है। इन दोनों में रेशो क्या है, इन दोनों में देखो आप, इन दोनों में रेशो कितना है अपना, इन दोनों में, इन दोनों में रेशो क्या रहा है, 1:2 आ रहा है, क्या 1:2 था, बिल्कुल था, 1:2 आ रहा तो 1:2 था, सही है। उसके बाद इन दोनों में रेशो देखो आप, दोनों 6 से कटते हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 24, क्या 5 × 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा ए का वैल्यू है, ये अपना बी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू और ये डी का वैल्यू है। ए बी काट के देखो, 2-3 बनना चाहिए, क्योंकि 2-3 है हमारा, ए बी कितना है, 2-3, बी सी, बी सी से हमारा क्या बनना चाहिए, 1:2, बन रहा है 1:2, बी और सी को काटें तो 1:2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। सी डी, सी डी को काटें तो क्या बन रहा है, 5 और अपना 4 बन रहा है, 6 से काटा, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 24, समझ गए बात, 5 और 4 बन रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तीनों रेशो मैच कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे आंसर के साथ मैच करें तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। या फिर ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे, ये जो मेथड है, ये वाला मेथड, ये सभी में लग जाएगा, इसमें चाहे कुछ भी पूछ ले आपसे, अकेले ए की वैल्यू पूछे, बी की वैल्यू पूछे, सी की वैल्यू पूछे, आप सभी के अंदर लगा सकती हैं। ये बेस्ट कब होता है, ये बेस्ट तब होता है, ये तरीका जब बेस्ट तब होता है जब पहला और आखिरी पूछे, क्योंकि फिर इतना काम नहीं करना पड़ेगा आपको, पहला और आखिरी कभी पूछे तो ये मेथड यूज करना आप,
ठीक है, एबीसी पूछे, एबीसीडी पूछे, तो ये मेथड यूज करना, या फिर बाय ऑप्शन भी कर सकते हो आप इसको। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं। मैं कहता हूँ भाई ए इज टू बी 2:1, बी इज टू सी 3:5, सी इज टू डी 1:1, भी लिख लो यार, लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ ए बी सी और डी निकाल लो। दोबारा देखें, मैंने क्या सिखाया आप, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3×2=6 हो जाएगा, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3×1=3 हो जाएगा, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसकी इसकी और इसकी 5 हो जाएगा, डैट मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा। ए बी सी डी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:3:5:20। या फिर मैंने क्या बताया आपको, ए अनुपात बी सी और डी, ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू 2:1, बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू 3:5, सी डी के नीचे सी डी की वैल्यू करो, ये इलाका 1 का है, ये इलाका 5 का है, और ये इलाका 3 का है, ये 1 का, 3×6, 3×1=3, 5×5, 5×20, 3×3, ठीक है, एक सेकंड। देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां पर 6, 3, 5 और क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, हो जाएगा 20। समझ गए बात, इस तरीके से करना है, या फिर इसको आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, जैसे ए बी सी और डी। ए बी सी डी की यदि हम बात करते हैं, ए बी सी डी की यदि हम बात करें, तो मैंने क्या समझाया आपको भाई, 6, 3, 5 और 4 है, 20 है। तो ए बी में क्या करेंगे, ए बी, ए बी की बात हो, दोनों का रेशो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा, 3 से काटेंगे 2:1 ही बनेगा ना भाई, यहां से क्या बना फिर, यहां से 3:5 बना, और यहां से क्या बना 1:4 बना, क्या यही रेशो दे रखे हैं आपको, देखना जरा एक बार, 2:1 बिल्कुल दे रखा है, 3:5 बिल्कुल दे रखा है, और 1:4, मतलब क्या हुआ, आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। समझ के बाद, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, जैसे मैं कहता हूं भाई ए बी बी सी सी और डी 2:1, 3:2, 5:3, ए बी सी डी का निकालना जरा एक बार, ए बी सी डी का रेशो क्या आएगा, ए बी सी डी का अनुपात क्या आएगा, ट्राई करो, इसके अंदर ए डी भी निकाल लो, ए डी क्या आएगा, ए डी निकालें यहाँ पर, ए डी क्या आएगा, ए डी भी बताना मुझे, ए डी क्या आएगा अपन, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे बी सी, और सी डी के नीचे सी डी, ये इलाका 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का है, समझ गए बात, करो मल्टीप्लाई, 6×5=30, 5×3=15, 5×2=10, 3×2=6, कटता किसी से नहीं कटता, तो यही आंसर है, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, क्या बता था मैंने, 6×5=30, 5×3=15, 5×2=10, और 3×2=6, ये आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, पहला और आखिरी निकालना पड़ जाए तो सीधी गुणा करो, देखो सीधी मल्टीप्लाई की तो कितना आया, सीधी हमने मल्टीप्लाई की, सीधी यदि हमने मल्टीप्लाई की है तो क्या आया था अपना, 6×5=30 आया था, और सीधी मल्टीप्लाई क्या आया, 6 आया, काट दो इसको, क्या रहे 5:1, क्या रहे 5:1, समझ के बात, ठीक है, ए बी सी डी चेक करना है, चेक कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30, 15, 10 और 6।
इन दोनों का रेशो चेक करो फिर, 2:1 सही है, मैच खा रहा है ना, यही बात है। इन दोनों का करो फिर, दोनों 5 से काटो, 5 × 10 5 × 3 15 3 3 5 × 10 2। इन दोनों को चेक करोगे तो क्या बनेगा, 2 से काटो, 5 और 3 क्या यही रेशियो दे रखा था, 2 1 3 2 5 2। भाई ऑप्शन भी कर सकते हो आप, इसको डिटेल में भी कर सकते हो, डिटेल में इस तरीके से होगा, या फिर ए बी सी डी हमारा जो होगा उसको रख देंगे, ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे बी सी, सी डी के नीचे सी डी। आगे हम बात करते हैं ई की, ए बी सी 2:3:1 पहले ए बी सी डी के हिसाब से करवा देता हूँ आपको, जैसे ऐसे भी दे सकता है ये क्वेश्चन, दो तरीके से देता है, 2:1 1:3 2:5 3 ई दे दिया हमें, 1:3 ये बोल दिया भाई ए बी सी डी ई। अब इस तरीके से करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये, तो मैंने आपको बताया ये सदाबहार तरीका क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी के नीचे क्या रखेंगे हम, ए बी रखेंगे 2:1, सी डी बी सी के नीचे बी सी का रखेंगे, सी डी के नीचे सी डी का रखेंगे, और डी ई के नीचे क्या रखेंगे, डी ई का रखेंगे। तो अब बताएं ये इलाका किसका है, एक का है तो एक रख सकते हो यहाँ पर, ये इलाका तीन का है तीन रख सकते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर पांच, यहाँ पर क्या रखेंगे, एक एक और है। देखो 2 × 4 2 × 1 = 2 3 × 6 5 × 3 = 15 5 × 6 = 3 ये आंसर आया आपने। अब यदि आपको क्रॉस चेक करना भी 4, 2, 6, 15 और 30 हमारा उत्तर सही है या गलत है, अब इन दोनों में रेशो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा, इन दोनों रेशो में क्या बनेगा, 1:3 बनेगा, इन दोनों का रेशो क्या बनेगा, 2:5 बनेगा, इन दोनों का रेशो क्या बनेगा, 1:2 बनेगा। क्या यही रेशो दे रखा, देखो 2:1, 1:3, 2:5 और 1:1 इन दोनों में यहाँ गड़बड़ की है, देख लेते हैं एक बार, एक सही है तो 5 × 3 = 15 हो गया, सी डी डी ई चेक करना हमें, हमारा है 15 × 30 1:2 15 × 3 = 45 आएगा यहाँ पर, है ना, 15 × 3 = 45 एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आएगा, 15 × 3 = 45 आएगा, इसको 45 कर लेना, 15 × 3 = 45 तभी कह रहा हूँ क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने गलती मिल गई यहाँ पर, तो 15 × 3 = 45 अब इन दोनों में रेशो क्या आएगा, 1:3 आ रहा है, समझ गए बात, तो 2:1, 1:3, 2:5 और 1 यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 4 2 × 1 = 2 3 × 6 5 × 3 = 15 और 9 × 5 = 45 तो आंसर आएगा आपका 2 4 2 6 15 और 45। तो क्रॉस चेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, बाय ऑप्शन से करो, ठीक है, डिटेल में करो, मर्जी आपकी है। ए और ई पूछे तो सीधी गुणा कर देंगे, आपसे पूछे ए और ई बताओ, इनकी डायरेक्ट गुणा कर दो, समझ के बाद कितना हो जाएगा, 4:45 आ जाएगा, इससे ए और ई पूछे तो आपसे, ठीक है। और कैसे पूछेगा इसके अंदर, इसमें पूछेगा ऐसे, 1:B / C 2:3:1 C/D/E 3:5:2 A, B, C, D और E वही तरीका लगाओ, सदाबहार यूनिवर्सल टाइप है वो, 2 3 1 ये 3 5 और 2 ये इलाका किसका है, एक का, और ये तीन का, 3 × 6 3 × 3 = 9 3 × 1 = 3 5 और 2 या आप ऐसे भी कर सकते थे इसको भाई, ए बी का हमें देख, मैंने क्या बताया था आपको, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब ये देखो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, जब ये 3 हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो हमारा रेशियो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा,
ये तीन है तो इसको तीन से गुणा कर दो। तीन से गुणा कैसे करना पड़ेगा, ये नहीं कि इस के साथ तीन से गुणा कर दोगे ना, पूरे के साथ तीन से गुणा करना पड़ेगा। प्रो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा छ, ये हो जाएगा नौ, और ये कितना हो जाएगा तीन। तो ये हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया छ, बी का वैल्यू कितना हो गया नौ, सी का वैल्यू कितना हो गया तीन, डी का वैल्यू कितना हो गया पांच, और ई का वैल्यू कितना हो गया दो। ए तीन, बी नौ, सीधा लिख सकते हैं फिर, तीन तीन हो गया ना, पांच डी का है और दो किसका है, ये देखो ये आंसर, ये पांच था हमारा, छ नौ तीन पांच दो। रेशो बना के देखोगे तो इन दोनों में देखो, इन दोनों तीनों में चेक करो, पहले अनुपात दो तीन एक बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इनमें चेक करो तीन पांच दो बन रहा है, तीन पांच दो बन रहा है, तो आपका आंसर सही है, गलत नहीं है। समझ गए बात, इस तरीके से करना ए बी सी डी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ए बी बी सी सी डी, दो अनुपात तीन और डी ई, है ना, एक अनुपात दो, तीन अनुपात एक और दो अनुपात तीन। मैं कहता हूँ ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर देखो ए बी के नीचे क्या रखेंगे हम, ए बी रख देंगे दो अनुपात तीन, बी सी के नीचे बी सी रखेंगे एक अनुपात दो, तीन अनुपात एक और दो अनुपात तीन। देखो ये इलाका तीन का है, तीन आएगा यहाँ पर, ठीक। ये इलाका किसका है, दो का है, दो आएगा। ये तीन का है, तीन आएगा। ये एक का है, ये आपका एक का है, यहाँ से आपका तीन आएगा और यहाँ से क्या आएगा आपका दो आएगा। और चार तीय बारह, नौ दुनी अठारह, कितना हो गया, नौ चौका छत्तीस, चार तीय बारह और नौ दुनी अठारह। कटता किसी से, बिल्कुल कटता, छः से कटता है, दो तीन छः दो तीन, देख लेते हैं ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी सी डी, देखो ए बी का अनुपात कितना, दो तीन है, बिल्कुल है दो तीन। बी सी का, इन दोनों का चेक करें तो एक दो बनेगा, एक दो है। इनका चेक करें तीन एक बनेगा, तीन एक है। इनका दो तीन है, दो तीन है, बिल्कुल सही आंसर हमारा, ठीक है। इस तरीके से पूछता है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीन दो पाँच, बी अनुपात सी अनुपात, सी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात दो पांच सात, सिंपल है, दो पांच और सात है, ए बी सी डी और ई, तीन अनुपात दो अनुपात पांच। ए बी सी के नीचे ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे आप, ठीक है, और ए बी सी के नीचे ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे और सी डी के नीचे सी डी की वैल्यू लिखेंगे। ये इलाका किसका है, पांच का है, और ये दो का है। तीन दुनी छः, दो दुनी चार, पाँच दुनी दस, पाँच पाँच पच्चीस, पाँच सात पैंतीस, क्या यही अनुपात है। देखो दो से काटो, तीन दो पाँच, तीन दो पाँच, सही है। इनको पाँच से काटो, दो पाँच सात, दो पाँच सात, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये बहुत सदाबहार तरीका है, सभी के अंदर लगा सकते हैं आप, चाहे भले ही या इस तरीके को आप दिमाग में बिठा लो, एक ही तरीका याद रखो, ठीक है। बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, मगर कई बार क्या है कि ए सी पूछ लिया, ए डी पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, समझ की बात, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये था आपका रेशियो का बिल्कुल बेसिक, अगली क्लास में मैं लेके आऊंगा प्रोपोर्शनल का बेसिक, उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।